लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी से मुतालिक ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब, दीगर रियासतों के फैसले पर नजर, मौशी सूरतेहाल की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे फैसला। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मल्लाना सागर का किया दौरा, सब्ज इनकलाब का दावा, कालेश्वरम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। अकलियतों और दीगर तबकात के लिए इमदादी स्कीम की जरूरत, वी हनुमंत राव का हुकूमत से मुतालबा, कोमेट रेड्डी वेंकट रेड्डी से बातचीत की जिम्मेदारी। यादव बरादरी की जानिब से सदर फेस्टिवल का आगाज, जिसमें हजारों अफराद अपने आरायशी बैलों भैंसों के साथ मेले में शरीक। कुलसुमपुरा पुलिस ने इमामपुरा इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए 26 अफराद को जुआ खेलने के दौरान किया गिरफ्तार और 52,000 रुपए नकद रकम, सेलफोन्स और प्लेइंग कार्ड्स किए बरामद। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड जारी, रचाकुंडा पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाले करने के इल्जाम में 3 अफराद को किया गिरफ्तार। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी जब्त ना किया जाए, पुलिस को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। चीफ मिनिस्टर के वादे कानूनी मौकिफ नहीं रखते, रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन टेन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीरपीठ दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रन गुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इंजीनियर्स और अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ मल्लाना सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर से जरई सरगर्मियों में इजाफा और किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के खसूसी दिलचस्पी से मुख्तसर अरसे में प्रोजेक्ट की तामीर हुई है। हरीश राव ने कहा कि मल्लाना सागर प्रोजेक्ट में 11 TMC पानी जमा हुआ है जो 30 मीटर की ऊंचाई पर है। बॉन्ड मुकम्मल तौर पर 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। तकरीबन 20 किलोमीटर तक पानी फैला हुआ है। ये तारीख का बड़ा कारनामा है। मुख्तसर अरसे में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। हरीश राव ने कहा कि जिन मकासद की तकमील के लिए अलहदा रियासत कायम की गयी थी, उसकी तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर दिन रात काम कर रहे। मुख्तसर अरसे में एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर किया गया। प्रोजेक्ट की तामीरात जेरेल्तवा प्रोजेक्ट्स की तामीर पर तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से रियासत में सुनहरा इनकलाब बरपा हुआ। प्रोजेक्ट्स की तामीरात की वजह से रियासत में जरई सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। नकल मुकाम करने वाले मजदूर दोबारा अपनी रियासत पहुंचकर जरई सरगर्मियों का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरे रियासतों के मजदूर रोजगार के लिए तेलंगाना का रुख कर रहे।
कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दलित बंधु की तर्ज पर अकलियतों और दीगर तबकात के लिए इमदादी स्कीम का ऐलान किया जाए। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि हुजूराबाद में शिकस्त के बाद दलित खानदानों में दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी से मुतलिक अंदेशे पाए जाते हैं। केसीआर ने दलितों को खुश करने के लिए हुजूराबाद से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दलित बंधु स्कीम का आगाज किया था। हनुमंत राव ने कहा कि शिकस्त के बाद हुकूमत को स्कीम के बारे में तसाहिल के बजाय वादे की तकमील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों से ताउन हासिल करते हुए तमाम इंतखाबी वादों की तकमील पर तवज्जो दी जाए। वी हनुमंत राव ने कहा कि हुजूराबाद की शिकस्त से केसीआर को सबक लेना चाहिए। जिस गांव में दलित बंधु स्कीम का आगाज किया गया था उस गांव में बीजेपी को अक्सरियत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि दरअसल अवाम इंतखाबी वादों पर भरोसा करने तैयार नहीं। चीफ मिनिस्टर को इंतखाबी वादों की तकमील के लिए प्रगति भवन में अपोजिशन का इजलास तलब करना चाहिए। साबिक में चीफ मिनिस्टर्स की तरह केसीआर को भी अवाम से मुलाकात करनी होगी। हनुमंत राव ने कहा कि अगर अवामी वादों को फरामोश कर दिया गया तो 2023 में टीआरएस की शिकस्त यकीनी हो जाएगी। उन्होंने एटाला राजेंद्र को मशवरा दिया कि वो किसानों की जद्दोजहद की तायद करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल नवंबर से डॉक्टर बीआर अंबेडकर का मुजस्मा पुलिस की तहवील में है, उसे फौरी नस्ब किया जाए। हनुमंत राव ने रियासत भर में दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का मुतालबा किया। एक सवाल के जवाब में हनुमंत राव ने बताया कि नाराज रुकन पार्लियामेंट कॉमेट रेड्डी वेंकट रेड्डी से बातचीत की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वो वेंकट रेड्डी से बातचीत करते हुए पार्टी सरगर्मियों में मुतहरिक करेंगे। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इमामपुरा में गेमिंग हाउस पर पुलिस की जानिब से रेड मारा गया। इस मौके पर 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 52,000 रुपए नकद रकम, सेल फोन्स और प्लेइंग कार्ड्स भी बरामद कर लिए। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड। हैदराबाद में क्रिप्टो करेंसी घोटालों का पर्दाफाश किया गया। रचाकुंडा पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाले करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मगरबी बंगाल से 3 अफराद को गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया। ऑनलाइन इश्तिहारात के क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श समझते हुए 18 शेल कंपनियों की तरफ से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घपले किए जा रहे। नारापल्ली के एक शख्स से 85,00,000 रुपए का घपला किया गया। ये एक ऐसा गैंग है जो शेल कंपनियों के जरिए घोटाले करता है। इन कंपनियों के नाम बिटजियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कार्गो सॉल्यूशंस, कर्व्ड हार प्रोडक्शंस, हार्श अरान एंटरप्राइजेस, क्विको एम इंफॉर्मेशन टेक, स्काई डेस्टिनेशन ट्रेव, इंट्रा एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, फैनिगो कंसल्टेंसी, पीआरआई, महादेवी इंटरप्राइजेस, फाते टेक्सटाइल्स, एवलेन कान और मदीजा रोल फ्रॉम वा विंड बैरी बिजफुल टेक बताए गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में वाज़ह किया है कि चीफ मिनिस्टर या हुकूमत के जिम्मेदारों की जानिब से किए जाने वाले वादे कानूनी मौकिफ नहीं रखते। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दिए के फैसले पर अमलावरी 30 मार्च 2021 के बजाय 31 दिसंबर 2020 करने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने 2018 में मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का वादा किया था और इस वादे पर जारी साल 30 मार्च से अमलावरी हो रही है, जिससे कई मुलाजमीन को नुकसान हुआ है जो मार्च से पहले रिटायर्ड हुए हैं। जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत के फैसले में अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर के वादे कानूनी मौकिफ नहीं रखते, असम्बली में कानून बनाए जाते हैं। नूरीनगर की आवाम को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। बंडलागुड़ा, जहांगीराबाद, नूरीनगर की आवाम ने अपनी तकलीफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए जाहिर की। पिछले कुछ दिन से यहां की आवाम को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से किसी तरह के ताउन नहीं करने पर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, इसको नजर में रखते हुए नूरीनगर की आवाम ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत करने पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के शख्स जिनका नाम रामुलु और रेड्डी है, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शिकायत आ गया है, अब इसका फैसला कौन करेगा और अवाम को कैसे सहूलत मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए अवाम ने अपनी तकलीफ जाहिर की और कहा कि यहाँ का जंक्शन खुला है, वायर्स भी निकले हुए हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। इस वायर से यहाँ की अवाम और मासूम बच्चों को कभी भी किसी तरह का कोई हादसा पेश आ सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के डिवीजन इंजीनियर से गुजारिश की है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऊपर और FOC के रामलू और रेड्डी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नूरी नगर की अवाम का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ जहांगीराबाद नूरी नगर से बोल रहा हूँ भाई। मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। यहाँ पर हमारे पास लाइट की तकरीबन कई दिन से प्रॉब्लम चल रही है। सुबह आ गई तो शाम तक, बोले तो दिन में हर टाइम ऐसा करंट जा रहा है कि इतनी तकलीफ हो रही है कि 10 बार हम फ़ोन कर रहे हैं, AE को फ़ोन करो, ये रामू बोलकर है FOC उसको फ़ोन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ से। हम बोलने के बाद ये बोलते हैं कि भाई हो जाएगा ठीक, आज तक अभी तक ऐसी नहीं हुआ। आज सुबह से ये परेशानी है, जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन भी हमको इतनी तकलीफ हुई कि हम बता नहीं सकते कि भाई हमको परेशानी है, करंट नहीं है, पानी की तक तकलीफ है। बोले तो एरिया का करंट के लिए आ रहे, देख रहे, जा रहे, कोई रिस्पांस नहीं दिए। और इसके बाद हम जब फ़ोन करते हैं FOC को, रामू जिसका नाम है उसको फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई हम बिजी है, हम बाद में करेंगे। एक नहीं 10 बार फ़ोन करें तो, अरे भाई FOC जब लगती है तो यहाँ पर काम करना चाहिए ना, कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और यहाँ पर जो सो टावर जो लगा, जो इलीगल जो कनेक्शन दी है उसका कनेक्शन का भी देखिए, और उसके ऊपर जैसे 300 मीटर का जो केबल जो लगा, 300 मीटर का जो केबल बोल के सैंक्शन होके आया, उस केबल तो कहाँ गया वो AE साहब को मालूम है। AE साहब कहाँ डाले केबल, क्या है क्या नहीं। अब एक ही चीज़ है कि एक रिक्वेस्ट है कि DA साहब से कि इसकी इंक्वायरी कराइए कि कहाँ गया ये केबल, 300 मीटर जो केबल आया था। सिकंदराबाद के बेगमपेट पुलिस ने एक घर पर छापा मारा जहाँ पर जुआ खेला चल रहा था। जुए के नाम पर कार्ड खेलते हुए 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतअद्दिद कॉलोनियों ने पुलिस से शिकायत की थी कि दिवाली के दिन मोतीलाल नेहरू नगर में जमेरात की शाम आवाज पुकारा देखा गया। पुलिस टास्क फोर्स ने मौके पर पहुंचकर घर में छापा मारा तो देखा कि मुलजिम जुआ खेल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद अग्रवाल, एक एडमिनिस्ट्रेटर और 4 दीगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहम पुलिस ने इस मामले को खुफिया रखा और तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। गच्चीबौली गोपनपल्ली में कशीदगी देखी गई। गोपनपल्ली और तेलापुर के दरमियान सड़क की तामीर का काम जारी है। इसी जिमन में सड़क को चौड़ा करने के एक हिस्से के तौर पर RDO MRO गोपनपल्ली गैंग के RNB हुकाम ने सड़क के दोनों तरफ तामीरात को गिराने की तैयारी शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती देखी गई। बगैर किसी इतला के इमारतों की मिसमारी पर मुकामी लोग परेशान हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी वो बरह का इजहार करते हुए हंगामा कर दिया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 151 नए केसेस दर्ज किए गए और 2 अफराद की मौत की इतला मिली, जिससे अमवात की मजमू तदाद 3,963 हो गई और मुस्बित मामलात की कुल तदाद 6,72,203 हो गई। गुज़िश्ता रोज तक तेलंगाना में फाल केसों की तादाद 3,838 थी। हुकाम ने 33,226 मजीद कोविड टेस्ट किए, जिनमें से 944 नमूनों के नतायज का इंतजार है। गुज़िश्ता रोज मजमुई तौर पर 190 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिनकी सेहतियाबी की शरह 83.98% है। अब तक रियासत में कुल
2,77,34,468 COVID-19 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 6,72,203 ने मुस्बित तजुर्बा किया है और 6,64,402 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अजला से रिपोर्ट होने वाले COVID-19 मुस्बित मामलात में आदिलाबाद से 2, भद्रादरी कोतागुड़म से 4, GHMC के तहत आने वाले इलाकों से 45, जगतियाल से 4, कामारेड्डी से 1, करीमनगर से 16, खम्मम और कुमरम भीम आसिफाबाद से 3, महबूब नगर से 1, महबूबाबाद से 4, मंचरियाल से 2, मिर्चल मलकाजगिरी से 12, मुलुगू और नागर कनूल से 2-2, नलगुंडा से 5, निजामाबाद से 3, पैदापली से 2, राजना सरसिला से 4, रंगारेड्डी से 10, सिद्दीपेट से 5, सूर्यापेट से 4, वरंगल रूरल से 4, वरंगल अर्बन से 7 और यदाद्री भोंगिर से 6 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास। ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारी, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास। शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक टॉप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस: एडम्स कॉलोनी टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल टूली चौकी एंड मलिक पेट हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तियाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिले रिहाइश आबादी से मुतसल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी से मुतालिक अहदेदारों से रिपोर्ट तलब। दीगर रियासतों के फैसले पर नजर। मौशी सूरतहाल की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे फैसला। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मल्लाना सागर का किया दौरा। सब्ज इनकलाब का दावा, कालेश्वरम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। अकलियतों और दीगर तबकात के लिए इमदादी स्कीम की जरूरत। वी हनुमंत राव का हुकूमत से मुतालबा। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से बातचीत की जिम्मेदारी। यादव बरादरी की जानिब से सदर फेस्टिवल का आगाज, जिसमें हजारों अफराद अपने आरायशी बैलों भैंसों के साथ मेले में शरीक। कुलसुमपुरा पुलिस ने इमामपुरा इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए 26 अफराद को जुआ खेलने के दौरान किया गिरफ्तार और 52,000 रुपए नकद रकम, सेलफोन्स और प्लेइंग कार्ड्स किए बरामद। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड जारी। रचाकुंडा पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाले करने के इल्जाम में 3 अफराद को किया गिरफ्तार। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी जब्त ना किया जाए, पुलिस को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। चीफ मिनिस्टर के वादे कानूनी मौकिफ नहीं रखते। रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।